एक मिस इंडिया जिसे बड़े बड़े और ताकतवर लोगों से दोस्ती रखने का शौक था, जिसकी दोस्ती में शुमार थे दुनिया के बड़े से बड़े नेता और उस वक्त के गुनाहों के सरगना। वो जितनी देखने में मासूम थी उतनी ही बला की खूबसूरत और शातिर भी। वो बहुत जिद्दी और अलग ही स्वभाव की थी। सन 1989 ब्रिटेन में हुए एक खुलासे ने इस मिस इंडिया को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। वो विश्व के अखबारों की सुर्खियां बन गई। नमस्कार, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज सुनाऊंगा मैं आपको एक ऐसी मिस इंडिया पामेला सिंह की कहानी जिसकी वजह से 90 के दशक में ब्रिटेन की सरकार गिरते गिरते बची। आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और पूरा एपिसोड देखने के बाद मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा। पामेला सिंह का जन्म हरियाणा के गांव माजरा में एक जाट परिवार में सन 1962 में हुआ। पिता मेजर महेंद्र सिंह 1962 की लड़ाई में शहीद हो गए थे। तब पामेला सिंह मात्र 2 महीने की थी। पति के मौत के बाद पामेला की मां शकुंतला चंडीगढ़ के एक सरकारी कॉलेज के हॉस्टल की वार्डन बन गई। वक्त गुजरा और सन 1975 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल की मदद से उन्हें हरियाणा राज्य ने नॉमिनेट किया और वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में शामिल हो गई। 1980 की शुरुआत में पामेला सिंह दिल्ली की एक मॉडलिंग एजेंसी एडवे पहुंची और वहां उसने अपना मॉडलिंग कैरियर शुरू किया। शुरुआती दौर में ही उसने काफ़ी विज्ञापनों में काम किया। उसके बाद उसने कॉकटेल पार्टियों में आवाजाही शुरू कर दी। सन 1981 पामेला सिंह सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गई और 1982 में फेमिना मिस इंडिया बनकर पूरे भारत में मशहूर हो गई। लेकिन अब उसकी चाहत और भरी और अब वो पूरी दुनिया पर छाने का ख्वाब संजोने लगी। 1982 में मिस इंडिया का ताज जीतकर ये महत्वाकांक्षी मॉडल न्यूयॉर्क पहुंची और वहां सऊदी अरब के एक बदनाम हथियारों के सौदागर अदनान खाशोगी से मिली। अदनान खाशोगी उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार था। कहते हैं खाशोगी से पामेला सिंह की मुलाकात तांत्रिक चंद्रा स्वामी ने करवाई थी। न्यूयॉर्क से वो जापान और जापान से लंदन पहुंची। वहां वो एक सजायाफ्ता हथियार व्यापारी से मिली जो पेरिस से ऑपरेट करता था। उसके जरिए वो रिकॉर्ड प्रोड्यूसर डोमिनिक बोर्ड से मिली और जून 1984 में उससे शादी रचा ली। अब वो पामेला सिंह से पामेला बोर्ड्स हो गई। लेकिन ये शादी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। उसके बाद लंदन में एक बार फिर वो अमीर और ताकतवर लोगों से मेल जोल बढ़ाने में जुट गई। इस बवाल में फंसे सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों के अलावा पामेला ने अपनी खूबसूरती के चलते रोमानिया के राजकुमार पॉल, इटली के काउंट कार्लो और द रोलिंग स्टोन के रॉकस्टार बिल वाइमन को भी अपने जाल में फंसा लिया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पामेला सिंह 1988 में लंदन के एक नाइट क्लब पार्टी में द संडे टाइम्स के कुआरे एडिटर एंड्रयू नील से पहली बार मिली। दोनों का ये जोरदार रिश्ता 3 महीनों तक चला। लेकिन ये रिश्ता तब खत्म हो गया जब अगस्त 1988 को एंड्रयू नील ने पामेला सिंह से रिश्ता तोड़ना चाहा और गुस्साई पामेला ने एंड्रयू नील के कपड़े फाड़ दिए। सन 1989 के शुरुआती दौर में पामेला अचानक से संसद रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर ब्रिटिश संसद भवन में नजर आने लगी। वह आम लड़की नहीं थी, वो हर बड़े आयोजन में मौजूद होती थी। चाहे वो जॉर्ज बुश के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद लंदन के अमेरिकी दूतावास में पार्टी हो या कोई और मौका। ये सारी बातें 3,000 पाउंड पाने वाली रिसर्च असिस्टेंट की जिंदगी से मेल नहीं खाते। उसके पास ब्रिटिश संसद भवन का पास था। वो बेरोक टोक संसद भवन में सांसदों के साथ घूमती नजर आती।
तभी एक दिन अचानक 27 साल की भारतीय मिस इंडिया पामेला सिंह की तस्वीरें हर ब्रिटिश मैगजीन के कवर पेजों पर बड़ी खबरें बनकर छा गई। पूरी लंदन की जुबान पर बस एक ही नाम था, पामेला सिंह। भारत से सालों से गायब इस सुंदरी का रातों रात मशहूर हो जाना जितना रहस्यमय था, उतना ही सनसनी खेज भी। 1982 में जिसके सर पर मिस इंडिया का ताज था, आज ठीक 7 साल बाद ब्रिटेन की टॉप पत्रिकाएं उसे हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल और जासूस के तौर पर पेश कर रही थी। पामेला केस की पहली झलक उस वक्त मिली जब एक मैगजीन ने खुलासा किया कि पामेला नाम की ये लड़की दोहरी जिंदगी जीती है। एक सत्तारूढ़ टोरी पार्टी के एक सांसद की रिसर्च असिस्टेंट के रूप में और दूसरी कॉल गर्ल के रूप में, जिसके बेडरूम के कारनामे किसी घोटाले से कम नहीं है। इससे ब्रिटेन सरकार से जुड़े कई बड़े नाम उजागर हुए जो पामेला के दोस्तों में शामिल थे। इसमें सिर्फ टोरी सांसद ही नहीं, दो ताकतवर हैसियत वाले एडिटर, इंटरनेशनल लेवल का हथियार डीलर, एक कैबिनेट मंत्री और एक प्रमुख लीबियाई खुफिया अफसर भी शामिल था। सन 1989 में जब पूरा स्कैंडल सामने आया तो वह अज्ञातवास में चली गई और ब्रिटेन की सरकार गिराने की बात करने लगी। डेली मेल ने जो स्टोरी लिखी उस कहानी में एक तरफ तो पामेला हवस और मौज मस्ती में शराबोर कॉल गर्ल दिखाई देती है, जो हथियारों के सौदागर अदनान खासोगी और तांत्रिक चंद्रास्वामी के लिए काम करती है, दूसरी तरफ उसकी कहानी एक ऐसी चुस्त और टैलेंटेड औरत की दिलकश दास्तां है जो मकारी और दुष्टता से लोगों की जासूसी करती है। लेकिन इस स्कैंडल के चलते भारत में बैठी पामेला की मां शकुंतला चौधरी को परेशान कर दिया था। उनका एक अखबार ने छापा इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेटी को कुत्ते की चैन से मारा करती थी। उसकी जिद्दी और बहके बर्ताव के चलते परिवार ने सन 1982 में ही पामेला सिंह से रिश्ता तोड़ लिया था। इसलिए कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि पामेला सिंह का अखड़पन, चंचलता और महत्वाकांक्षा उसके पारिवारिक माहौल की देन भी हो सकती है। उसके बाद पामेला सुर्खियों में कभी नहीं आई, लेकिन अभी कुछ साल पहले उन्हें गोवा में घूमते हुए देखा गया। इस तरह 1982 में ताज पहनकर सुर्खियों में आई एक सुंदरी अंधेरों में कहीं खो गई। मेरा यह एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।